हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम जीके के तीन इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, ये वीडियो एसएससी रेलवे बैंक्स एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो आप वीडियो में बने रहिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन कौन से। तो पहला ये आते हैं आगरा और दिल्ली, ये यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगरा और दिल्ली बसे हुए यमुना नदी के किनारे। अगला आता है फ्रेंड्स लंदन, ये बसा है टैम्स नदी के किनारे। लंदन बसा हुआ है टैम्स नदी के किनारे। और गोवा और पणजी बसे मांडोवी नदी के किनारे। अगला आता है वीना, वीना किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वो है डेन्यूब। अगला आता है कानपुर और हरिद्वार, तो ये बसे हुए गंगा नदी के किनारे। कानपुर और हरिद्वार गंगा नदी के किनारे। और बेलग्रेड बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे। लखनऊ बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे फ्रेंड्स। और बगदाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बसा हुआ है टाइग्रिस नदी के किनारे। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, तो आता है सूरत, सूरत बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। और ब्यूनस आयर्स बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। ब्यूनस आयर्स बसा हुआ है ला प्लाटा नदी के किनारे। और अयोध्या कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह सरयू नदी के किनारे। और न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे, न्यूयॉर्क बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टम बसा फ्रेंड्स कावेरी नदी के किनारे। और रोम बसा हुआ है टाइवर नदी के किनारे। श्रीरंगपट्टनम बसा हुआ कावेरी नदी के किनारे और रोम बसा हुआ टाइवर नदी के किनारे फ्रेंड्स। अगला आता है मदुरै, मदुरै बसा हुआ वेगई नदी के किनारे। और पेरिस बसा हुआ सिन नदी के किनारे। अगला आता है हैदराबाद, हैदराबाद बसा हुआ है फ्रेंड्स मुशी नदी के किनारे। हैदराबाद बसा हुआ है मुशी नदी के किनारे। और बैंकॉक बसा हुआ है मीनाम नदी के किनारे। बैंकॉक बसा है फ्रेंड्स मीनाम नदी के किनारे। और उज्जैन बसा हुआ है सिप्रा नदी के किनारे। और बर्लिन बसा हुआ है स्प्री नदी के किनारे। अगला आता है कोलकाता, कोलकाता बसा हुआ फ्रेंड्स हुगली नदी के किनारे। और पर्थ बसा हुआ है स्वान नदी के किनारे, पर्थ बसा हुआ है स्वान नदी के किनारे। अगला आता है फ्रेंड्स अहमदाबाद, तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो वह साबरमती। और कोलंबो बसा हुआ है केलानी नदी के किनारे। अगला आता है लुधियाना, तो लुधियाना सतलज नदी के किनारे। और टोक्यो बसा हुआ है अराकाबा नदी के किनारे। और श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो झेलम नदी। और वाशिंगटन बसा हुआ है पोटोमैक नदी के किनारे। अगला आता है नासिक, तो वह गोदावरी नदी किनारे। और रंगून है इरावदी नदी के किनारे, रंगून इरावदी और नासिक गोदावरी। अगला आता है फ्रेंड्स जबलपुर, तो वो है नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर। और लिस्बन है टेगस नदी के किनारे। जमशेदपुर है फ्रेंड्स स्वर्णरेखा नदी के किनारे। और अगला आता है खारतुम, ये है नील नदी के किनारे, खारतुम है नील नदी के किनारे। अगला आता है बेलूर, तो बेलूर है यांगची नदी के किनारे। और डबलिन है लिफन नदी के किनारे, डबलिन है फ्रेंड्स लिफन नदी के किनारे। तो फ्रेंड्स पहला टॉपिक तो क्लियर हुआ, प्रमुख नगर किन नदियों के किनारे बसे हुए हैं। अगला टॉपिक आता है तो फ्रेंड्स, तो वो है भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से। भारत के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से, तो पहला आता है बिहू, बिछुआ, सत्रिया, ये है असम राज्य के लोक नृत्य। बिहू, बिछुआ, सत्रिया असम राज्य के लोक नृत्य। अगला आता है बाहुल या जात्रा, ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। बाहुल और जात्रा है पश्चिम बंगाल राज्य का लोक नृत्य। और सरहुल कर्मा जट जाटिन, ये झारखंड का। सरहुल कर्मा जट जाटिन, ये झारखंड राज्य का लोक नृत्य। और छाव दलचाई माया सौरी, ये उड़ीसा नदी का लोक नृत्य। छाव दलचाई माया सौरी, उड़ीसा नदी, उड़ीसा राज्य का लोक नृत्य फ्रेंड्स। ओके, अगला आता है रासलीला नौटंकी और कजरी, ये यूपी का लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य रासलीला नौटंकी और कजरी। और छपेली और चांचरी उत्तरांचल का, छपेली और चांचरी फ्रेंड्स उत्तरांचल का लोक नृत्य। और भांगड़ा और गिद्धा कहाँ का है, पंजाब या हरियाणा का। भांगड़ा और गिद्धा है पंजाब हरियाणा का। घूमर कठपुतली और पनिहारी है राजस्थान, घूमर कठपुतली और पनिहारी राजस्थान। और गरबा डांडिया और रास है फ्रेंड्स गुजरात का लोक नृत्य, गरबा डांडिया और रास है गुजरात का। अगला आता है लावनी तमाशा दही हांडी, है महाराष्ट्र का। लावनी तमाशा दही हंडी, ये कहाँ का लोक नृत्य, महाराष्ट्र का। अगला आता है फ्रेंड्स मोहिनीअट्टम थुलाल और पादु पदायुनी, ये केरल राज्य का लोक नृत्य।
मोनियट्टम, थुलाल और पदायुनी है केरल का। यक्षगान और करगा कहाँ है? कर्नाटक का। यक्षगान और करगा है फ्रेंड्स कर्नाटक का लोक नृत्य। डंडा या रहस नाचा या सुहा है छत्तीसगढ़ राज्य के लोक नृत्य। डंडा या रहस नाचा सुहा है छत्तीसगढ़ का। मुखोटा और युद्ध नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। मुखोटा और युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्य। छहू और मगही कहाँ के? वो बिहार के। छहू और मगनी फ्रेंड्स बिहार के लोक नृत्य। करगम और कबलतम है तमिलनाडु के लोक नृत्य। करगम और कबलतम है तमिलनाडु के लोक नृत्य। फ्रेंड्स अगला टॉपिक देखते हैं तो वो है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके संबंध स्थल कौन कौन से हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं उनके संबंध स्थल कौन कौन से हैं? तो शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित। शांति निकेतन है रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित। और तलवंडी है गुरु नानक से संबंधित। और सदाकत आश्रम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। सदाकत आश्रम है फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। और ओरेविले है महर्षि अरविंद घोष से संबंधित है फ्रेंड्स। अगला आता है बेलूर, तो वह रामकृष्ण परमहंस से संबंधित। बेलूर किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो वह रामकृष्ण परमहंस। और बारदोली है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित। बारदोली है सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित स्थान है। मक्का मदीना है मोहम्मद साहब से संबंधित स्थल। और जेरूसलम है ईसा मसीह से संबंधित। सेंट हेलेना कहाँ से फ्रेंड्स? नेपोलियन बोनापार्ट से। सेंट हेलेना है नेपोलियन बोनापार्ट से। कपिल वस्तु है गौतम बुद्ध से। कपिल वस्तु फ्रेंड्स गौतम बुद्ध से संबंधित स्थान है। अगला आता है जीरादेई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। जीरादेई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित। और आनंद भवन किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो वो है जवाहरलाल नेहरू से। ओके फ्रेंड्स तो ये थे जीके के तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। ओके फ्रेंड्स तो तीनों टॉपिक हमने इस वीडियो में देखे। तो पहला टॉपिक तो ये था नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर कौन से। अगला है भारत के प्रमुख लोक नृत्य और महत्वपूर्ण व्यक्ति है उनसे संबंधित इस तरह। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फ्रेंड्स डेली ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करते रहिएगा।